सो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए डार्क ब्लू एंड रेड लाइट फोटो एडिटिंग लेके आया हूँ। और इस फोटो एडिटिंग को सीखने के लिए दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इसी के साथ चलिए लाइट रूम को ओपन करते हैं एंड मॉडल को इम्पोर्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमने लाइट रूम ओपन कर लिया है। लाइट रूम ओपन करने के साथ साथ हमने मॉडल को भी इंपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आपको लाइट रूम ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगी। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट टूल है ऑटो टूल, ठीक है। ऑटो टूल से होता क्या है कि ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है इससे, ठीक है। तो देख लीजिए हम वन क्लिक में कुछ इस तरह से एडजस्ट हो गया है। इससे क्या होता है, लाइट एडजस्ट होता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा कम ज़्यादा हुआ है, एक्सपोजर कंट्रास्ट वगैरह। तो उसको देखने के लिए आपको लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, मतलब लाइट टूल पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे देख लीजिए कंट्रास्ट वगैरह कम ज़्यादा हुआ है, एंड कंट्रास्ट बढ़ा है 7 पर। एंड इसका हाईलाइट को थोड़ा और कम कर लेते हैं 18 पर, शेडोज को रख लिए हैं 16 पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट नीचे में उसके लाइट वाले टूल के मिक्स टूल है, ठीक है। तो हम इसमें क्लिक करेंगे, मिक्स टूल में क्लिक करने के बाद जो उसके बाद मैं आपको रेड कलर का मार्क लगा के दिखा दे रहा हूँ, उसमें आपको सिंपली तरीके से क्लिक कर देना है, ताकि यहाँ पर हम कलर ग्रेडिंग कर सकें इस टूल की हेल्प से। तो हम इसमें क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से कलर दिखाई देगी। तो यहाँ से हम सबसे पहले ग्रीन कलर सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये रहा हमारा ग्रीन कलर, जो कि मैं आपको रेड कलर का चिन्ह लगा दिया हूँ। तो उसमें क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, इसका सेचुरेशन को -100 रख लेना है। फिर उसके बाद येलो कलर सेलेक्ट कर लेना है, येलो कलर का भी सेचुरेशन कम कर लेंगे, ताकि जो बैकग्राउंड है डार्क ब्लैक हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए फिर से हम येलो कलर पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम येलो कलर पर सेलेक्ट कर लिए एंड सेचुरेशन कम किया, इसका हुई को भी कम कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्काई ब्लू पर क्लिक करेंगे, सॉरी स्काई ब्लू के जो बगल है उसमें क्लिक करेंगे, ठीक है। ये भी एक दो यहाँ पे दो ब्लू कलर मिलती है, एक स्काई ब्लू और एक डार्क ब्लू। तो हम डार्क ब्लू में क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपको डार्क ब्लू का हुई को कर लेना है 45 एंड इसका सेचुरेशन को कर लेना है 20। 20 करने के बाद अब यहाँ पे हमें फेस ग्लो करना है, तो ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से फेस ग्लो करने के लिए ऑरेंज कलर में सेलेक्ट करके इसका लुमिनेंस को बढ़ा लेना है। लुमिनेंस को बढ़ाने के बाद इसका सेचुरेशन को हम हल्का सा कम करेंगे, लुमिनेंस को रख लिए 33 एंड इसका लुमिनेंस को रख लेंगे 6 एंड इसके बाद डन कर देंगे। डन करने के बाद आपको यहाँ पे टेम्परेचर टिन वगैरह दिखाई देगी। ये भी एक प्रकार का इफेक्ट है, जो कि फेस में मतलब बैकग्राउंड इफेक्ट देने में काफ़ी यूज़ होती है, ठीक है। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। तो इसका टेम्परेचर को कम करने पर देख लीजिए कुछ इस तरह से बैकग्राउंड पे ब्लू इफेक्ट आ जा रही है। तो इसका टेम्परेचर को रख लेंगे 19 एंड टिन को रख लिए 2। उसके बाद यहाँ पे हमें डार्क ब्लू इफेक्ट देना है। तो उसके लिए आपको लाइट टूल पर क्लिक करना है एंड कर्व टूल पर आना है लाइट में क्लिक करके। जैसे कि कर्व टूल को काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कर्व टूल बहुत ही अच्छा टूल है, ठीक है। इसी से हमने लाइट मतलब डार्क ब्लू फोटो एडिटिंग किए, ये जो हमारा मेन टूल है मान लो तुम। तो यहाँ से हम कर्व टूल पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 5 कलर दिखाई देगी। तो ये जैसा कि जो कलर है उसमें सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ग्रीन कलर को सेलेक्ट करते हैं, फिर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगी। तो ये जो आपको ऊपर की ओर खींच देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरह से हल्का डार्क एंड ग्रीन इफेक्ट आ रही है। उसके बाद ब्लू कलर पर आएंगे और ब्लू कलर को पूरा ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए डार्क ब्लू इफेक्ट आ गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, व्हाइट कलर को सेलेक्ट करेंगे और इसे नीचे की ओर हल्का से लगेंगे, ताकि जो बैकग्राउंड है और थोड़ा डार्क हो जाए। तो यहाँ से हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया था, तो कुछ ज़्यादा ब्लू इफेक्ट आ जाइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को जाके कम कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको मिक्स टूल में आ जाना है, एंड मैं इसका प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप प्रीसेट का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से इसका टेम्परेचर को रख लेना है हमें 6 पर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफेक्ट देना है, ठीक है। तो इसका टिन को भी बढ़ा लेते हैं, ताकि फेस में ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। 26 पर रख लिए टिन को। उसके बाद हम इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस इफेक्ट का भी टूल है। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद देख लीजिए आपको कुछ इस तरह से डार्क आ गई है, एंड इसका विंटेज वगैरह को एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसकी क्लैरिटी को बढ़ा के सेफ्टी डिवाइस कर लेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।